मोदी जी ने कहा हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, पूरे हिंदुस्तान में कौन सा शहर स्मार्ट सिटी बना? और अखिलेश यादव को कहा ये दो जो लड़के हैं जो गर्मी चढ़ी है 10 मार्च को उतर जाएगी, किस हिसाब से देखें? आप बताइए, ये मुख्यमंत्री का भाषण है, ये लोग बार बार मुख्तार अंसारी और उनका अतीक अहमद का नाम लेते हैं, ये ब्रजेश सिंह और बीरभूषण सिंह ये क्या है? ये योगी जी को ये नहीं दिखाई देता है कि अमरमयी त्रिपाठी को कौन सा रोग लगा हुआ है, 14 साल से अस्पताल में पड़े हुए हैं? पैसा किसी के पास हो जाए तो हम उसको दीदी नहीं कहेंगे। कहती है देश जो है 2014 में आजाद। अरे हमारे पास सब पहला नाइन भरल वो कष्टवत कर देश के लोग जानता था ना, वो जो सीन ले लें टीवी पे या कैमरा के आगे कोनो शरीफ परिवार के बेटी बहन से कहा जाए कि 50 करोड़ ले लाई सीन दे दे तो नहीं दे। लालू यादव रेलवे को जमीन से आसमान पे ले गए, पूरे दुनिया में उनकी तारीफ हुई, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड, पूछते थे लोग कैसे फायदा में ले गए। और मोदी जी तो रेलवे बेच रहे हैं, ये हरिश्चंद है और लालू यादव केवल दाचोर थे। अभी किसी ब्राह्मण से कहा जाए कि चला हमें कथा सुने बा तो बिना मेहरारू के कथा में नहीं सुनाई, और मोदी जी बिना मेहरारू के पूजा कर डाले, इससे बड़ी झूठाईपन का हुई। और नवाब शरीफ की अम्मी को दशहरी आम और बनारसी साड़ी और साल लेके मोदी जी गए थे कि अखिलेश जी गए थे, 5 किलो चावल जिस दिन से दे रहे हैं वो भारत के खजाने से आ रहा है, लेकिन जिस दिन से 5 किलो चावल दिए उसी दिन से जो इसका जियो का मोबाइल है उसमें 280 रुपया भराइए तब वो चलता है, नहीं तो चुप हो जाता है, मान रहे ना? तो भारत का पैसा तो अंबानी के घर जा रहा है। ये सब कहते हैं कब्रिस्तान बनाए, जाके देखिए ना, हमारे ही लुमानवा घाट में शमशान बना है, 7 शमशान घाट हमने बनाया, ये सब कैठो बनाए। अगर विधायक बनेंगे तो वो काम करेंगे? सबसे पहले 100 सैया का अस्पताल बनवाऊंगा, हम 9 तनाव में जो CSC है, ठीक है ना, और उसमें और जमीन दान देनी पड़ेगी तो दूंगा, 1 एकड़ खरीद के उसके पीछे रखा हूँ। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं महाराजगंज जिले के नौतनवा विधानसभा में, और नौतनवा विधानसभा इसलिए चर्चा का विषय बन जा रहा है महाराजगंज जिले में क्योंकि यहाँ की जो राजनीति है लगातार कई वर्षों से दो ही परिवारों के इर्द गिर्द घूम रही है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुंवर कौशल उर्फ मुन्ना सिंह जी, पूर्व विधायक भी हैं, थे तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। और दूसरी बात मैं परिवार की इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मड़ी परिवार यहाँ पे है, अमर मड़ी का परिवार तो चर्चा का विषय इसलिए ये बना हुआ, ये हॉट सीट के रूप में पूर्वांचल की हॉट सीट आमतौर पे देखा जाए तो गोरखपुर बनी हुई है क्योंकि योगी जी लड़ रहे हैं, और महाराजगंज की अगर हॉट सीट की बात की जाए तो ये नौतनवा बनी हुई है। तो हमारे साथ मुन्ना सिंह जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे, और ये सपा से उम्मीदवार हैं नौतनवा विधानसभा में। तो रोचक राजनीति इस समय चल रही है उत्तर प्रदेश की, पहले चरण का चुनाव हो गया, दूसरे चरण का चुनाव अभी कल हुआ, तीसरे चरण का चुनाव होने वाला है, तो ऐसे में जो राजनीति घूम रही है इस वक्त जनता की अगर माने तो 50-50% पे इस समय राजनीति चल रही है। एक तरफ कुछ लोगों का कहना है कि भाजपा जो है इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, तो वहीं कुछ दलों का ये भी कहना है कि जो है सपा यहाँ पर मजबूत स्थिति में दिखती हुई नजर आ रही है। तो बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि नौतनवा में जो राजनीति चल रही है किन मुद्दों पे चल रही है, यहाँ की जनता क्या सोच रही है, लोग प्रचार करने जा रहे हैं तो जनता किस मुद्दों को उठा रही है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका उत्कर्ष पत्रिका में। धन्यवाद, दर्शकों को नमस्कार। पहला सवाल यही है कि किन मुद्दों के साथ प्रचार प्रसार हो रहा है और जनता का रुझान किस तरफ दिख रहा है? जनता का रुझान समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ है, और जो मुद्दा है वो विकास का मुद्दा है, और हर आदमी कहता है हम विकास करेंगे, कोई ऐसा नहीं जो कहता है कि हम विकास नहीं करेंगे। आप देश की राजनीति में देखें, मोदी जी ने कहा हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, पूरे हिंदुस्तान में कौन सा शहर स्मार्ट सिटी बना? गुजरात मॉडल बनाएंगे, आप बताइए गांव में कौन सा गांव गुजरात मॉडल बना? तो बोलना अलग की बात है, करना अलग की बात है। धरातल पे काम किया अखिलेश यादव जी ने एक काम किया कि जो चीज़ नहीं थी उत्तर प्रदेश के अंदर उसको दिया। अभी वहाँ पे गुजरात में अहमदाबाद में इनके वो नहीं था, मेट्रो नहीं था, अखिलेश यादव जी ने बना के दिखा दिया। जितनी अच्छी सड़क अखिलेश यादव जी ने 14 महीने में बना के दे दी, ये सपने में नहीं सोच सकते हैं। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मतलब पुलिस हेडक्वार्टर यूपी का लखनऊ का सबसे खूबसूरत बना, एशिया का सबसे सुंदर वो हमारा स्टेडियम बना। तो जो काम किया अखिलेश यादव ने धरातल पे किया, लोहिया योजना, जनेश्वर मिश्री योजना, ये सरकार तो बरगलाने वाली सरकार है। इसने कहा साहब हम बच्चों को 2 करोड़ को नौकरी देंगे,
अब देख कोरोना ऐसी महामारी आई, बच्चे स्कूल में गए ही नहीं, इस सरकार ने फीस वसूल लिया, फीस भी नहीं छोड़ा। और अखिलेश यादव जी थे तो बच्चियां पास हो जाती थी इंटर तो 30,000 रुपया उनके खाते में चला जाता था, बच्चे पास हुए तो हमने लैपटॉप बांटा। ये तो ना बच्चे पहले, के पहले फेज का जब चुनाव हुआ तो उसमें योगी जी आए, लाइव आए, तो उन्होंने एक बात कही कि गठबंधन की सरकार है, आरएलडी से गठबंधन हुआ है, तो जयंत चौधरी और अखिलेश यादव को कहा ये दो जो लड़के हैं जो गर्मी चढ़ी है 10 मार्च को उतर जाएगी, किस हिसाब से देखते हैं? आप बताइए प्रधान, ये मुख्यमंत्री का भाषण है, ये मुख्यमंत्री का भाषण, तो उन्होंने ये मुख्यमंत्री का भाषण है गर्मी और चर्बी। हम पूछे हिंदुस्तान के वो इतने बड़े नेता हैं मोदी जी और जो अमित शाह जी, हम विधायक हो जाए कल और हमारे क्षेत्र में कोई हिस्ट्री सीटर हो, हम उसका नाम लेंगे? ये लोग बार बार मुख्तार अंसारी और उनका अतीक अहमद का नाम लेते हैं, ये ब्रजेश सिंह और ब्रजभूषण सिंह ये क्या हैं? ये योगी जी को ये नहीं दिखाई देता है कि अमरमयी त्रिपाठी को कौन सा रोग लगा हुआ है, 14 साल से अस्पताल में पड़े हुए हैं, इनको खाली मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद दिखाई देते हैं। एक आरोप और लग रहा है कि आजम खान को जेल में इसलिए रखा गया है और निकालना चाह नहीं रहे हैं अखिलेश यादव, इसलिए क्योंकि उनकी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। यार आप एक बार बताओ, पढ़े लिखे आदमी हो आप लोग, लालू यादव बंद थे जेल में, बंद थे ना, उनका लड़का नहीं चाहता था कि लालू यादव निकल जाए, बिल्कुल, तो बिना कोर्ट के फैसले को निकल गए लालू यादव। हम पूछते हैं इन सबों ने लालू यादव को चारा घोटाला में फंसा दिया, और जगन्नाथ मिश्रा को इन्होंने क्या बोलता है बरी कर लिया उसी फाइल में, उनका लड़का भाजपा ज्वाइन कर लिया था। लालू यादव रेलवे को जमीन से आसमान पे ले गए, पूरे दुनिया में उनकी तारीफ हुई, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड, पूछते थे लोग कैसे फायदा में ले गए। और मोदी जी तो रेलवे बेच रहे हैं, ये हरिश्चंद्र हैं और लालू यादव क्या बोलता है चोर थे, इनके कहने पर आप मत जाइए, बस मान रहे हैं, ये तो भगवान को ठगे। आप एक बात बताइए, हमारे हिंदू धर्म में भगवान राम की पत्नी को रावण चोरा ले गया और इसके बाद भगवान राम ने अपना दूत भेजा रावण के पास कि जाओ रावण से कह देना हमको सेत रामेश्वर की स्थापना करनी है, तो रावण सीता जी को लेके आया और सेत रामेश्वर की स्थापना कराया। अब मोदी जी बहुत बड़े देश के नेता हैं, अभी किसी ब्राह्मण से कहा जाए कि चला हमें कथा सुने बा तो बिना मेहरारू के कथा में नहीं सुनाई, और मोदी जी बिना मेहरारू के पूजा कर डाल रहा, इससे बड़ी झूठाईपन का हुई। अच्छा, ये प्रदेश की राजनीति में लगातार घोषणा पत्र जारी हो रहा है, वचन पत्र, संकल्प पत्र, गारंटी पत्र लगातार जारी हो रहा है, तो इस बीच अखिलेश यादव 300 यूनिट बिजली करने की बात करें और लगातार तमाम पार्टियां ये दावा भी कर रही हैं, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि कई जब हम चुनावी यात्रा करते हैं कई लोग आरोप भी लगाते हैं कि अखिलेश जी के सरकार में बिजली बेहतर नहीं थी और योगी जी के सरकार में बिजली बेहतर है, और वही कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। देखिए साहब, ये कहते हैं कि हमने गैस दिया, एक महीना में गैस बटेगी? ये मनमोहन सिंह की बनाई हुई व्यवस्था थी, जब मैं विधायक था तो हमारे क्षेत्र में 6 गैस एजेंसियां खुल चुकी थी, मैं कांग्रेस से जीता था, पहली बात। दूसरी बात बता दें, बिजली वाली, जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक में था तो जितने बिजली के बड़े प्रोडक्शन वाले जगहें थी वो सब उत्तराखंड में थी, वो सब चली गई वहाँ पे उत्तराखंड में, इसलिए बिजली हमको नहीं मिल रही थी। अखिलेश यादव जी ने 6 प्रोडक्शन करने वाली बड़ी बड़ी क्षमताओं के बनाए उन्होंने, तब ना आज बिजलियाँ मिल रही है, दूसरे इस कारण नहीं मिली, इन्होंने बनाया क्या है? आप बताइए, अभी इन्होंने बनारस से आजमगढ़ वाली सड़क का शिलान्यास किया, उसका भूमि अधिग्रहण अखिलेश यादव की सरकार में हुआ, मट्टी का काम और गिट्टी का काम अखिलेश यादव की सरकार में हुआ, और ये आए कह दिए पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन कर रहे हैं, तो इनका कमो है, सांप होता है ना वो दूसरा बिल बनाता उसमें घुस जाता, कहता ये हमारी बिल है, वही काम इन लोगों का है। शिलान्यास जो है अखिलेश जी कर रहे हैं और लोकार्पण जो है शिलान्यास अखिलेश जी कर रहे हैं और लोकार्पण मोदी जी और योगी जी कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये मुख्यमंत्री की भाषा है गर्मी छोड़ाना, गर्मी जनता छोड़ाएगी, अब की पता चलेगा किसकी। एक बात योगी जी और कहते हैं कि हम जो है गन्ना की बात करते हैं और अखिलेश जी जिन्ना की बात करते हैं। आप एक बताइए, जिन्ना को मजार पे अखिलेश जी गए थे, अखिलेश जी गए थे आडानी गए थे ना जिन्ना की मजार पे, पूरी बात सुनिएगा, आडानी गए थे कि अखिलेश जी गए थे, और नवाब शरीफ की अम्मी को दशहरी आम और बनारसी साड़ी और साल लेके मोदी जी गए थे कि अखिलेश जी गए थे। आखिर क्यों हो रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है, जातिगत राजनीति हो रही है, समीकरण क्यों बनता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, ये काम के ही नहीं, अगर इस देश में मुसलमान नहीं रहते तो भाजपा ने तो 10 वोट नहीं पाते, ये तो मुसलमान भाइयों को गरिया के हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान इनके लिए दुइये नारा बा, इनके लिए काम कौन बा, ये तो मुसलमान भाई इनके लिए डाया खाद है, बात समझ रहे हैं ना, कि गांव में जाते हैं और ये बरगला करके वोट लेते हैं, हकीकत बात बता रहे हैं। और दूसरी चीज़, ये जिन्ना की बात करते हैं, हम पूछते हैं आप यथार्थ पे जाइए ना, अखिलेश जी ने ये जिन्ना, अखिलेश जी गए थे मजार पे, लाल किशन आडवाणी जी गए थे, बात समझ रहे हैं,
ये सब बकवास की बातें हैं, ये लोग यही कह के वोट मांगते हैं। इन्होंने किया क्या देश के लिए आप बताइए? 2 करोड़ लड़कों को नौकरी देने के लिए किए दिए, इन्होंने कहा था 15 लाख खाता में जाएगा, हर घर से 500-500 रुपये का खाता खुलवाया गया, एक एक आदमी 4-4 आदमी खाता खोला एक एक घर से, 2-2 हज़ार हर घर से चला गया। और आया क्या, चुनाव में नमक का पैकेट आया, वो भी गल नहीं रहा, ठीक है ना। तो हालात इतने बुरे हैं कि ये ठगने वाले लोग हैं, ये समाज को देश को ठग रहे हैं। आप बताइए, कोरोना की महामारी आई, 5 किलो चावल इन्होंने दिया, और जब लड़कों को गुजरात बम्बई से आना था तो पैदल आए, चल चल फफोला पड़ पड़ गया, लाठी खा खा के आए, कितने रास्ते में मर गए, ठीक है। इन्होंने कुछ नहीं दिया। जब दुनिया में भर हिंदुस्तान की बेइज्जती होने लगी तब इन सब लोगों ने गाड़ी चलाया। आप 5 किलो चावल दे के सीना फीट रहे हैं, और जो लड़का बाहर नौकरी करता था एक दिन में 15 किलो चावल कमाता था, महीना भर में 4.5 क्विंटल चावल। तो 2 बार कर दिए राशन, क्यों? ये किए हैं, लेकिन हम ये मार्च में बंद कर देंगे। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं 5 साल देंगे, लेकिन अब अखिलेश यादव जी ये भी कह रहे हैं कि मार्च तक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मार्च के बाद रिजल्ट आ जाएगा। तो और एक बात आप समझें, 5 किलो चावल जिस दिन से दे रहे हैं वो भारत के खजाने से आ रहा है, लेकिन जिस दिन से ये 5 किलो चावल दिए उसी दिन से जो इसका जियो का मोबाइल है उसमें 280 रुपया भराइए तब वो चलता है, नहीं तो चुप हो जाता है, मान रहे ना। तो भारत का पैसा तो अंबानी के घर जा रहा है, जो कमवा अंग्रेज करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वही कमवा भाजपा के लोग अंबानी अडानी के लिए कर रहे हैं। ये तो हो गई प्रदेश राजनीति की बात, लेकिन अगर नौतनवा के विकास की बात करें, जब आप कांग्रेस से विधायक यहाँ पर थे तो किन किन मुद्दों को या फिर हम ये कहें कि कौन कौन से विकास कार्य आप गिना सकते हैं? देखिए, हम आपको एक बात बता दें, आप हमसे अगर पूछते हैं तो उसका सत्यापन आप जाके उस विभाग में करें, जैसे पेट्रोलियम विभाग है, यहाँ एक गैस एजेंसी थी अमरमणी भाई की, ठीक है ना। तो लोग लाइन लगाते थे और चिट्ठी लिखवाते थे और कितना जन कहें कि अरे दे देता एक ठो, ठीक है। और मेरे भाई साहब सांसद थे तो सांसद कोटे से गैस आती थी तो बांट देते थे, लेकिन जब मैं विधायक हुआ तो यहाँ 6 गैस एजेंसी खुली, सिनौली में खुली, अभी आप जाएंगे लारी साहब की ज़मीन कब्जा किए हुए हैं मुरला में, वहाँ एक धोबी के नाम से इन्होंने ले रखी उस ज़मीन को दलित परिवार के, तो स्कूलवा है जमीनिया लारी साहब का, कब्जा अमरमणी का, वहाँ भी गैस एजेंसी 6 गैस एजेंसी करवाया था मैं यहाँ पे। और ये जो नौतनवा बाजार की सड़क देख रहे हैं ये अखिलेश यादव जी बनाए, और जो ये नौतनवा से कौड़िया जंगल की सड़क देख रहे हैं आप, जब मैं विधायक था उसी समय इसका काम स्टार्ट हो गया था, राहुल गांधी जी से लड़ करके जितिन प्रसाद से इस काम को करवाया था, ठीक है ना। और इस नौतनवा बाजार में 60 करोड़ रुपया अखिलेश यादव जी ने दिया नगर पालिका को, 40 करोड़ डूडा से दिया और 20 करोड़ नगर पालिका को दिया। और महाराजगंज जिले में किसी भी नगर पालिका में जाइएगा तो चाहे JCB हो, चाहे ट्रक हो, और चाहे जो भी साधन है, ये अखिलेश यादव जी का उपलब्ध कराया है। ये सब कहते हैं कब्रिस्तान बनाए, जाके देखिए ना, हमारे ही दुमहानवा घाट में शमशान बना है, 7 शमशान घाट हमने बनाया, ये सब कैठो बनाए, ये बरगलाने वाले हैं। हाँ, ये सच है कि यहाँ तहसील बनाए मुलायम सिंह, CSC खोले मुलायम सिंह, अखिलेश सिंह। CSC पे एक मिनट, CSC की बात आती है तो ज़मीनें आपकी थी, आपने दिया, तो योगेंद्र सिंह यहाँ से शायद लड़ रहे हैं किसी पार्टी से, तो उन योगेंद्र सिंह या ज्ञानेंद्र सिंह, क्या नाम है, नागेंद्र जी, वो नामांकन के दौरान उनका इंटरव्यू है, उनमें उन्होंने कहा एक बात कि पैसा 4 गुना 8 गुना लेके तब जमीन दिए थे। आप जाइए इस बसिया का सत्यापन आप कर लीजिए DM के यहाँ, बस समझ रहे ना, अगर उसमें 1 रुपया तितिमा पे बैनामा हुआ है, पहले जान लीजिए आप, हम पैसा लेके उसमें बैनामा करेंगे। आज अगर वो ज़मीन मेरे पास होती तो जो बाईपास निकल रहा है ना, कम से कम 15 करोड़ रुपया हमको मुआवजा मिलता, बस समझ आए। ये सब जनता का खून चूसने वाले लोग हैं, हम नगेंद्र की बात नहीं कर रहे, नेताओं की। ये स्कूल इंटर कॉलेज देख रहे हैं ना, इसको लारी साहब भीख मांग के बेचारे बनवाए थे, अब 5-5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, और इस शैतान ने उसको कब्जा कर लिया, ठीक है। और भगवान से नहीं डरता है, जहाँ इसका कार्यालय है वहाँ भगवान का मंदिर जाइए गिर रहा है। तो जो अपने धर्म का नहीं होगा, चाहे वो इस्लाम का हो चाहे हिंदू का हो, वो अपने माई बाप का नहीं होगा, बस समझ रहे हैं ना। तो ये वहाँ भगवान से नहीं डर रहा है, और जिस लड़की से प्यार किया इनके पिताजी ने, तो हम कहते हैं राजा दशरथ 3 शादी किए थे, तो मधुमिता से ये भी शादी कर लिए होते, ठीक है ना, कोई रोका नहीं ना था। और यही जो सारा से प्रेम किए तो उम्र काहे गई, उसका कारण जानते हैं, उसने एक शादी एक निकाह पहले किया हुआ था, एक लड़का लखनऊ का था, वो बिल्डर है, ठीक है ना। तो भाई
अब सबसे बड़ी बात यह है कि कर्णा रणावत जी के सब कही सकाला लक्ष्मी बाई, मुन्ना सिंह नाई कही है लक्ष्मी बाई के आत्मा के कष्ट हुई। अब पैसा किसी के पास हो जाए तो हम उसको दीदी नहीं ना कहेंगे। कर्णा रणावत जी कहती है देश जो है 2014 में आजाद हुआ। अरे हमारे बात तब वो पैदा नहीं भल रही वो कष्टवत कराला है देश के लोग जानता था ना, ठीक है ना। अब वो जौन सीन दे लीन टीवी पे या कैमरा के आगे कोनो शरीफ परिवार के बेटी बहन से कहा जाए कि 50 करोड़ ले ला सीन दे दे तो नहीं दे भाई। वो भाजपा के प्यारी हैं, वो भाजपा के प्यारा रहे हमन की ओर ना आवे, ठीक ना। लास्ट सवाल एक है कि 12 के बाद आप जब विधायक थे और उसके बाद 17 के बाद कुछ विकास के कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपको लग रहा है कि अब अगर विधायक बनेंगे तो वो काम करेंगे? सबसे पहले 100 सैया का अस्पताल बनवाऊंगा हम नौतनवा में जो CSC है, ठीक है ना। और उसमें और जमीन दान देनी पड़ेगी तो दूंगा, 1 एकड़ खरीद के उसके पीछे रखा हूँ। अभी 17 लाख की जमीन खरीदा हूँ वहीं रखा हूँ, उसको भी डोनेट कर दूंगा। और दूसरी चीज आपको बता दें कि डांडा नदी और रोहिणी नदी और महाव नाला इसका दुरुस्तीकरण करूँगा, ठीक है ना। इसमें जहाँ जहाँ टूटान होगी उसको भी ठीक करूँगा, जहाँ जहाँ हमको बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो हैं उसमें लगातार लोगों को समस्या आती है उसको सुदृढ़ करूँगा। और जो पुलिस का भ्रष्टाचार है और तहसील का जो विधायक जी के ज़माने में पनपा हैं उसको समाप्त कर दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे मुन्ना सिंह जी, इन्होंने बड़ी प्रखरता से जो है सवालों का जवाब दिया और बहुत अच्छे तरीके से, और ये भी बताया कि इस बार जो है प्रदेश में सपा की सरकार बनने वाली है और तमाम जो कमियां हैं पिछले 5 सालों में लगातार जो कमियां नौतनवा विधानसभा में हैं उनको भी गिनाने की कोशिश की और बताया कि किस तरीके से 100 सैया का अस्पताल बनाया जाएगा अगर इनकी सरकार ये विधायक बनते हैं। तो ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें उत्कर्ष पत्रिका। मेरा नाम है विक्की सिंह।